आपको एक खूबसूरत सा टूर देते हैं इस खूबसूरत सा शहर का। फॉर दैट ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड विद मी एंड लेट्स गो। छोटे से शहर में हूँ जिसका नाम अल्सफेल्ड है। क्या खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन कर रखा है, क्या आर्किटेक्ट्स है बिल्डिंगों पे। आई मीन जस्ट माइंड ब्लोइंग, वर्थ टू एक्सप्लोर दिस टाइप ऑफ स्ट्रीट्स इन जर्मनी। जितने खूबसूरत घर हैं यहाँ पर उतने ही महंगे हैं। तो कहा जाता है, जैसे ये लोग यहाँ के लोग कहते हैं या फिर बाकी फॉरेनर्स कहते हैं कि जर्मनी में सब कुछ मिलना आसान है, सिर्फ घर मिलना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ घर देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि सच में मुश्किल है। तो यहाँ की जो सिटीज़ हैं उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि आपको हर 200-300 मीटर पे कोई ना कोई सुपरमार्केट्स दिख जाएंगे। जो फेमस सुपरमार्केट्स हैं जो मोस्टली एवरी सिटी में अवेलेबल होती हैं वो हैं लिडल, रीवे, नेटो। दीज आर दी सुपरमार्केट्स यू गना फाइंड इन एवरी सिटी, जो काफ़ी अच्छी बात है। और इन सुपरमार्केट्स में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी डेली यूज़ की होती है।
everything is here, everything. You just need money. Prices are so attractive, but as an Indian, रुपी में जब कन्वर्ट करो तो ये बहुत ज़्यादा ही हो जा रहा है, पर ठीक है, बजट में है, उतने कॉस्टली नहीं है सारी चीज़ें यहाँ पर. अच्छी बात तो ये है कि जर्मनी में आपको हर एक ऐसे छोटे शहर में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिन सब चीज़ों की आमतौर पे नॉर्मल लाइफ में ज़रूरत पड़ती है. रेस्टोरेंट्स हैं, कैफे हैं, खूबसूरत घर हैं, बैंक्स हैं, सब कुछ सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं. ये सबसे अच्छी बात है. काफ़ी शांति है, हालांकि आज संडे है तो मुझे लगा भीड़ होगी काफ़ी. अभी इस सफ़र में एक ख़ास इंसान से मुलाकात हुई, और ये ख़ास इंसान है अफ़गानिस्तान से. तो आइए हम आपको इनसे मिलाते हैं, आपको भी अच्छा लगा मिलके. और भाईजान कैसे हो? इंडियन दोस्तों सारे, सलाम अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. तो बताएं सर, अपने बारे में कुछ बताएं. वैसे भाई तो आप लोगों को बता दूँ कि इन भाईजान का नाम है शोएब अख्तर. ये कहते हैं, क्या नाम है सर आपका? शोएब अख्तर. पहचान शोएब अख्तर से है, लेकिन नाम है शोएब खान. सेम नाम है, सिर्फ अख्तर और खान का फर्क है. अच्छा, तो फिर आप शोएब अख्तर क्यों कहलवाना चाह रहे हो? आप खान ही रहो ना. अख्तर को सब पहचानते हैं ना इंडियन. अच्छा, आप जैसे महान लोगों का लोग चेहरा देखना चाहते हैं. नहीं, वो तो सही है, लेकिन यहाँ पे वायरस चल रही है. अरे सर, कुछ नहीं होना, चेहरा दिखाओ और फिर उसके बाद हेलो. अभी पहचान लो हमें. आप अफगानी? मैं हूँ डॉन, अफगानी डॉन. अफगानी डॉन. तो आप यहाँ जर्मनी में क्या कर रहे हो सर? थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी करना चाह रहे हैं, जर्मनी देखना चाह रहे हैं, कैसी कंट्री है. इस्तांबुल का एक आपको हलाल खाना मिलेगा, ये रेस्टोरेंट है, रोकबंदी रहता है. साहब और सब बताएं, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह. कैसे लगी आपको जर्मनी? माशाल्लाह से बहुत अच्छी कंट्री है. अच्छा. हम वेट कर रहे हैं कब अगला सिटी देखे. अच्छा. ये सिटी से तकरीबन हम 15-20 दिन में रह रहे. अच्छा.
अभी चाहते हैं कि आगे भी कुछ देख लेना या देखने को मिले। आप इस शहर के बारे में कुछ कहना चाहोगे सर? ये एक छोटा सा शहर है, आपको लोग कम मिलेंगे लेकिन घर ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें कुछ नहीं मिलेगा। बस यही अफसोस की बात है। बाकी आपको यहाँ लोग बहुत ही कम मिलेंगे, रोडों पे रोड सारे खाली है, ऐसा लग रहा है सुनसान शहर है। आखिर इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे आग तो कहीं पे धुआं धुआं धुआं, लेकिन ये दिखेंगे नहीं। चारों तरफ इसकी हरियाली है, बहुत खूबसूरत शहर है और इस शहर का नाम भी होसन शहर है, यानी होसन का एक शहर है। खूबसूरत है, छोटा सा है लेकिन है बड़ा खूबसूरत। सही बात है। तो सबसे खूबसूरत बात ये है यहाँ के मौसम के बारे में, यहाँ का मौसम जो है ना कुछ नहीं कह सकते। दो मिनट बाद इतनी तेज बारिश होगी जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और फिर दो मिनट बाद ऐसी धूप हो जाएगी जिसका भी अंदाजा नहीं लगा सकते। हालांकि ये अभी सीजन विंटर का है, लेकिन इस विंटर सीजन में सारी चीजें होती हैं। आई मीन समर भी देखोगे, रेनी सीजन भी देख लोगे,